इतिहास गवाह है उन रहस्यमय लोगों के बारे में जो मानव सभ्यताओं से परे थे। अलौकिक शक्तियाँ उन्हें इस संसार से अलग बताती थी। से कई रहस्यमय लोगों के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जिनकी बौद्धिक कुशलताएं, रहस्यमय ताकतें और अनोखे व्यवहार ने उन्हें किसी रहस्यमय लोक के साथ जोड़ा रखा और उन्होंने कई रहस्यमय कार्य करके मानव सभ्यताओं को हिला के रख दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक रहस्यमय डॉक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके कार्यों को देखकर लोग मानते थे कि इनका किसी अन्य रहस्यमय लोक से वास्ता है और इनमें कई अन्य अद्भुत शक्तियों का वास है। इन रहस्यमय डॉक्टर का नाम था एरिको। एरिको का जन्म 18 अक्टूबर 1921 में ब्राज़ील के एक छोटे से गांव में हुआ था। जन्म साधारण ही हुआ, लेकिन बचपन से ही उन्हें विचित्र दृश्य रहस्यमय अनुभव होने लगे। दिन में अलौकिक अनुभूतियां और रात को स्वप्न में अनोखे संदेश उन्हें मिलते थे। अपने माता पिता को बताने पर उन्होंने उसे उन्हीं का मन का भ्रम बताकर उन्हें समझा दिया। कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन एरिको की जिंदगी ने एक असामान्य मोड़ ले लिया। एरिको के रिश्ते में चाची लगने वाली एक बूढ़ी औरत अपने पेट के ट्यूमर के कारण लगभग मृत्यु की शैया पर थी। उस दिन आखिरी बार मिलने गए लोगों में एक एरिको भी थे। परिवार के सभी लोग उस बुढ़िया को घेरे हुए और उसकी मृत्यु की राह देख रहे थे कि अचानक एरिको को ऐसा क्या सूझा कि वह दौड़ते हुए रसोई में गए और एक छोटा सा जंग लगा हुआ चाकू उठा लिया है और कमरे में उपस्थित सभी लोगों को यह कहते हुए कि वह रोग के इलाज में एक और प्रयोग कर रहे हैं, सभी को बाहर निकाल दिया। थोड़ी ही देर में कमरे में वृद्ध महिला एरिको और कुछ बुजुर्ग अभिभावकों के अलावा सभी रिश्तेदार कमरे से बाहर निकल गए थे। कमरे में खड़ा दूसरा व्यक्ति कुछ समझ पाता उससे पहले ही एरिको ने उस चाकू से वृद्ध महिला के पेट को चीर डाला और देखने लायक यह था कि उस वृद्ध महिलाओं के मुंह पर दर्द का या किसी तकलीफ का कोई अनुभव नहीं दिख रहा था। इस परम विचित्र ऑपरेशन में कुछ ही मिनटों का समय लगा, लेकिन इसमें रहस्यमय यह था कि उस वृद्ध के पेट पर ऑपरेशन का या किसी चीरे का कोई निशान मौजूद नहीं था और न ही किसी दर्द या रक्तस्राव का उन्होंने अनुभव किया। इस विचित्र ऑपरेशन के बाद उनकी चाची को कई वर्षों से हो रहे उस कठिन दर्द मर्मांतक पीड़ा से पूरी तरह से मुक्ति मिल गई। जाने माने विद्वान लेखक फ्रैंकिस किंग ने अपनी पुस्तक मिस्टीरियस नॉलेज में एक अद्भुत व्यक्ति के बारे में लिखा, जिसका नाम जोश एरिको था, जो कि बिना किसी उपकरण के शल्य चिकित्सा करता और कठिन से कठिन रोगों से मरीज को मुक्ति दिला देता था। ब्राज़ील के एक छोटे से गांव में जन्मे जोश एरिको एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन अपने अद्भुत कारनामों से उसे जग में बहुत प्रसिद्धि हासिल हुई। अपनी चाची के इस छोटे से ऑपरेशन के कारण उन्हें अपने पूरे परिवार में अद्वितीय व्यक्ति होने का सम्मान मिला। एक दिन उनके पुराने मित्र बिटेनकोट, जो कि उस राज्य के सीनेटर भी थे, ने एरिको को मिलने बुलाया। जब आराम करते वक्त दोनों मित्र बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि उनके दाहिने फेफड़े में कैंसर का एक ट्यूमर है और इस ट्यूमर के कारण वे अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह निराश हो चुके हैं। यहाँ तक डॉक्टरों ने भी
ऐसी नाजुक स्थान पर ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया है क्योंकि इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इस तरह बात करते हुए दोनों ही मित्र एक साथ वहीं साथ में सो गए। देर रात को एरिगो के मित्र को ऐसा लगा कि जैसे कोई हाथ उनके शरीर पर रेंग रहा है। हालांकि कुछ ही मिनटों तक उन्हें यह अनुभव हुआ, उसके बाद वे चीर निंद्रा में चले गए। और दूसरे दिन जब उनकी नींद खुली तो उन्हें लगा कि उनकी छाती पर जैसे किसी ने चीरा लगाया हो और ऑपरेशन किया हो, ऐसा महसूस हो रहा था। उसके बाद अपने कैंसर के ट्यूमर से जैसे उन्हें मुक्ति ही मिल गई, जिसे बड़े बड़े डॉक्टर करने में असमर्थ थे। अब तक एरिगो की ख्याति पूरे विश्व में फैल चुकी थी और केवल ब्राज़ील ही नहीं बल्कि अमेरिका एवं यूरोप के कई देशों से मरीज, वैज्ञानिक, शोधकर्ता उनके पास आया करते थे। उनकी ऐसी अलौकिक शल्य चिकित्सा देखकर बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हतप्रभ रह जाते। कई प्रयोगों के बाद शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि एरिगो के पास कुछ ऐसी दिव्य अलौकिक शक्तियां हैं जिसे वह नहीं समझ पा रहे हैं, जिनके द्वारा वे रोगी का रोग ठीक कर देते हैं। वैज्ञानिक भी जानते हैं कि अगर किसी वस्तु को मल्टी डिमेंशनल वर्ल्ड से अपेक्षाकृत लेस डिमेंशनल वर्ल्ड में लाया जाए तो उस वस्तु से संबंधित बहुत सा ज्ञान लोप हो जाता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में क्रश ऑफ डिमेंशनलिटी कहा जाता है। कोई भी प्रक्रिया जो कि मल्टी डिमेंशनली वर्ल्ड में हो रही है, जरूरी नहीं कि वह लेस डिमेंशनली वर्ल्ड में भी हो। वह प्रक्रिया माइक्रो वर्ल्ड में टाइम या स्पेस के भाव से बहुत ही विस्तार में हो रही हो, जो हमारे संसार में 5 मिनट का खेल ही रही हो। इस प्रकार मल्टी डिमेंशनल और लेस डिमेंशनल वर्ड के साथ एरिगो एक रहस्यमय शक्ति एवं अलौकिक शक्ति के रहस्यमय लोक से वास्ता रखने वाले डॉक्टर माने जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही मिस्टीरियस और मज़ेदार वीडियोज़ आपको मिलते रहें।